हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुई हैवानियत के बाद मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद एक बार फिर देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है और सरकार से इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी बीच सेलेब्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं। बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी सोशल मीडिया के जरिए मामले पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उनका ये मानना है कि कानून का सख्त होना जरूरी है। इस मामले को देखते हुए अक्षय ने कहा कि चाहे वो हैदराबाद की महिला डॉक्टर हो, चाहे तमिलनाडु की रोजा हो या फिर रांची के लॉ स्टूडेंट हो जिनका गैंगरेप हुआ, एक समाज के तौर पर हम विफल हो चुके हैं। निर्भया गैंगरेप को 7 साल हो चुके हैं मगर हमारी नैतिकता टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। हमें सख्त से सख्त कानून की जरूरत है। ये सब जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। इस दर्दनाक हादसे पर अक्षय कुमार के अलावा टीवी शो क्राइम पेट्रोल के होस्ट एक्टर अनूप सोनी ने कहा कि हमने फिर बेटी, बहन और दोस्त को खो दिया। अनूप का कहना है कि जब तक सजा सख्त से सख्त नहीं होगी हम नहीं सुधरेंगे। इन सितारों के अलावा फरहान अख्तर, शबाना आजमी और यामी गौतम जैसे स्टार्स ने भी हादसे पर रिएक्शन दिए हैं। यामी ने लिखा कि हर तरफ गुस्सा, दुख और सदमा फैला हुआ है। लोगों को इतना जागरूक हो जाने के बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या ऐसी हरकतें करने वालों को कानून से डर नहीं लगता? हम एक समाज के तौर पर विफल रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।